इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, बीवी गार्डन में आपका स्वागत है। ये देखिए फूलों से भरा हुआ पौधा, इसके बारे में ही बात करेंगे आज। बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। इस पौधे के बहुत सारे नाम हैं, इसको मरवा कहते हैं, बेजल कहते हैं, सब्जा भी कहते हैं, और ये एक आयुर्वेदिक प्लांट है और पेट की बीमारियों में इसका बहुत यूज होता है। हमें न्यास बो भी है और इस प्लांट का यूज़ पेट की जो बीमारियां हैं, जैसे पेट का इन्फेक्शन हो गया, पेट में कीड़े हो गए, बच्चे हों बड़े हों, उसमें इसका यूज़ होता है। आयुर्वेदिक गुण ना भी हों तो भी देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। जैसे हम कोई और फ्लावर प्लांट लगाते हैं वैसा ही लगता है ये भी, और इसके पत्तों को हाथ लगाओगे बहुत ही अच्छी महक आती है। इसकी मिट्टी की और पानी की, तो मिट्टी इसकी जो है वो गमले में लगाना तो बेलट्रेन ही चाहिए, और गर्मियों का पौधा है, गर्मी में बहुत ही जल्दी इसकी ग्रोथ बढ़ती है, और पानी इसको गर्मियों में डेली चाहिए। अगर पानी एक दिन भी नहीं दोगे तो ये से मुरझा सा जाता है और बहुत ही जल्दी ग्रो करता है गर्मियों में। प्लांट को बीज के थ्रू भी उगाया जाता है और कटिंग के द्वारा भी ये इजली ग्रो करता है। अगर जो ये इसको फूल गए हैं इसी से बीज बन जाते हैं और बस फिर बहुत ही इजी टू ग्रो है। जैसे तुलसी के बीज बनते हैं वैसे ही इसके बनते हैं, और देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है जैसे फूलों से भरा हुआ। बात करें अगर हम इस प्लांट को कि इसको कौन सा फर्टिलाइज़र दें, तो इसको यूरिया डीएपी वगैरह नहीं देना चाहिए, ना एनपीके देना चाहिए। इसके लिए जो गोबर खाद है वो ही ठीक रहती है, क्योंकि ये एक आयुर्वेदिक प्लांट है तो इसका खाने में भी यूज़ होता है, इसलिए तो ये देना इसके लिए ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि ये ज़्यादा हैवी फीडर नहीं है, तो ना ही इस पर हम जो पेस्टिसाइड है उसका छिड़काव भी नहीं करना चाहिए इस पर। तो कीड़े इस पर लगते तो हैं, मगर जब आप इसके कीड़े लगें तो आप इसकी प्रूनिंग कर दें और जो कटिंग है उसकी दूर फेंक दें, और फिर उसके बाद बहुत ही जल्दी ग्रो करता है ये। प्लांट आप लगाइए, आप इसको अपने घर में, और एक आयुर्वेदिक जूस भी है इसका, और देखने में भी सुंदर लगता है, फूल भी आते हैं इस पर। अगर आपको फूल नहीं चाहिए तो आप इसकी कटिंग करने, फिर ये और भी बुशी हो जाता है और हरा भरा रहता है। जैसे तुलसी है वैसे ये तुलसी की फैमिली से ही बिलोंग करता है ये, और इसके पत्तों में बहुत ही अच्छी महक होती है। जब भी आप इसके पत्तों को टच करोगे तो बहुत अच्छी महक आती है। धूप चाहिए 5-6 घंटे की, तभी ये अच्छा ग्रोथ करता है, क्योंकि गर्मियों का प्लांट है। जितना आप इसको धूप में रखोगे वो उतनी ही इसकी अच्छी ग्रोथ और उतनी ही अच्छे इसमें फूल आएंगे और बीज बनेंगे, और उन्हीं बीज से आप न्यू प्लांट बनाना। थैंक यू फ्रेंड्स।